वाईफाई लिमिटेड कनेक्शंस प्रॉब्लम एंड्रॉयड टीवी, हाउ टू फिक्स स्मार्ट टीवी वाईफाई लिमिटेड कनेक्शंस प्रॉब्लम। अब एक्चुअली में क्या होता है, आप लोग फ्रेंड अपने वाईफाई को यूज़ करते हो स्मार्ट टीवी के अंदर, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है गाइस। यहाँ पे लिमिटेड कनेक्शंस एरर की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाता है, लिमिटेड कनेक्शंस एरर, जिसके बाद में दोस्तों जो आपका इंटरनेट है वो अच्छे से काम नहीं करता है और आप लोग वाईफाई को यूज नहीं कर पाते हो। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो दैट वीडियो को कंप्लीट फुल वॉच करना है एंड आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रिक को फॉलो करना है। हो सकता है आपके पास में किसी भी कंपनी की क्यों ना स्मार्ट टीवी हो, आपके पास में एक एंड्रॉयड टीवी है जिसमें आप लोग वाईफाई यूज़ कर रहे हो, तो आपको सिंपली क्या करना है आइए जानते हैं। सबसे पहले फ्रेंड आपको सेटिंग में आना है, सेटिंग में आने के बाद में आपको चले आना है डिवाइस प्रेफरेंस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको अबाउंट में चले जाना है फ्रेंड। अबाउंट में जाने के बाद में आपको एक बार अपनी स्मार्ट टीवी को एंड्रॉयड टीवी को रीस्टार्ट कर लेना है। आपको रीस्टार्ट का बटन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे रीस्टार्ट करना है, ओके ओके करना है। आपको अपने स्मार्ट टीवी को रीस्टार्ट कर लेना है। आपकी फ्रेंड स्मार्ट टीवी है पावर ऑफ होगी और फिर ऑटोमेटिकली गाइस यहाँ पे आपकी स्मार्ट टीवी है एंड्रॉयड टीवी है ऑन हो जाएगी। तो आपको सिंपली यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है, वेट करने के बाद भी फ्रेंड गाइस यहाँ पे आपका जो काम है वो कंप्लीट होने वाला है। अभी दोस्तों यहाँ पे ये आपको फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है एंड आपको सेकंड, टोटल दोस्तों यहाँ पे दो स्टेप और बाकी रह चुके हैं जो आपको तीनों स्टेप को फॉलो कर लेना है, ठीक है। आपको स्मार्ट टीवी को ओपन करने के बाद में ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी, आपको कुछ भी आई थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओपन करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, सिंपली गाइस यहाँ पे आपको सेटिंग्स में चले जाना है, वहीं पे फोन स्मार्ट टीवी की सेटिंग में जाना है। कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा और थोड़ा नीचे आना है, आपको उसी ऑप्शंस पे क्लिक करना है, देन आपको इधर चले आना है। आपको या इस यहाँ से एक ऑप्शंस को ढूंढ लेना है जो गाइस यहाँ पे अपडेट होता है, जैसे कि एक्चुअली में क्या है, जो आपका सॉफ्टवेयर है कौन से वर्जन में अपडेट है, यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा अपडेट है। यदि फ्रेंड आपकी स्मार्ट टीवी अपडेट नहीं है तो सिंपली गाइस यहाँ पे अपडेट करना है। यदि ऑलरेडी अपडेट है तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा वापस आना है। वापस आने के बाद में और एक बार बैक आना है। अब फ्रेंड जो आप लोग वाईफाई का नेटवर्क कौन सा यूज़ कर रहे हो, मतलब जिस चीज़ का आप लोग नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, सिंपली आपको अपने उसी मोबाइल फ़ोन को लेना है। उससे पहले आपको यहाँ पे वाईफाई में चले आना है। वाईफाई में आने के बाद में देख सकते हो फ्रेंड, अब आपको अपना मोबाइल फ़ोन लेना है या फिर गाइस आप लोग एक वाईफाई यूज़ करते हो या फिर मोबाइल फ़ोन का हॉटस्पॉट कनेक्ट कर रखे हो, तो सिंपली गाइस यहाँ पे मोबाइल फ़ोन को ओपन करना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद में आपको हॉटस्पॉट में जाना है, जैसे गाइस यहाँ पे मेरे को देखने को मिल चुका है, पर्सनल हॉटस्पॉट में जाना है। और जाने के बाद में आपको सबसे पहला काम आपको ये करना है, कनेक्शंस मैनेजमेंट। आपको जैसे कि यहाँ पे दिया गया है टोटल, जैसे कि दो डिवाइस इस टाइम पे कनेक्ट हैं, तो आपको यहाँ पे डिवाइस कनेक्शन लिमिटेड को इसको बढ़ा देना है, इसको 10 डिवाइस मतलब फुल पे कर देना है। उसके बाद में डाटा यूजिंग को, अब यदि फ्रेंड ये डाटा यूजिंग आपका काम होगा ना, तो आपको सिंपली इसको भी पूरा कर देना मतलब फुल पे कर देना है। इतना करने के बाद में फ्रेंड गाइस यहाँ से आपको देखना है कहीं ना कहीं आपका जो स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट टीवी को गाइस यहाँ से कनेक्ट कर रखे वो ब्लॉक तो नहीं है, यदि ब्लॉक है तो इसको अनब्लॉक करना है। अनब्लॉक करने के बाद में बैक आना है, थोड़ा बैक आने के बाद में एक बार गाइस आपको गाइस यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग है उसको रिस्टार्ट करना है। इधर चले आना है, बैकअप एंड रिस्टार्ट वाले ऑप्शंस पे आना है, फिर एक बार क्लिक करना है। आपको फ्रेंड गाइस रीसेट नेटवर्क सेटिंग का एक आपको बटन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है जिससे कि फ्रेंड जो आपका वाईफाई है गाइस यहाँ पे पहले जैसा हो जाएगा और नेटवर्क सेटिंग है सारी कुछ कस्टमाइज हो जाएगी। नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर लेना। रीसेट करने के बाद में फिर आपको वाईफाई को हॉटस्पॉट
को गाइस यहाँ पे ऑन करना है। ऑन करने के बाद में फिर आपको एक बार कनेक्ट करना है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। कनेक्ट करने के बाद में फ्रेंड जो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, लिमिटेड कनेक्शंस की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही थी, वो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट करने के बाद में देख सकते हैं फ्रेंड लिमिटेड कनेक्शंस की प्रॉब्लम मेरे को देखने को नहीं मिल रही है, फुल्ली तरीके से कनेक्ट हो चुका है। ओके सो दैट आप लोग समझ ही गए होंगे। बाकी गाइस यहाँ पे उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलते हैं किस